दीपक यादव समाजवादी पार्टी के, उन्हें झूठा फंसा दिया। तो ये लगातार कोशिश रही है इनकी कि इनको अपमानित कैसे किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयां कैसे हों। अखिलेश यादव इन दिनों 2024 के चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के खास नेताओं पर लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से तीन बार विधायक रह चुके दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव की। दीपक यादव वो नाम है जिसकी चर्चा अखिलेश यादव तमाम मंचों पर करते रहे हैं। वहीं बीते दिनों अखिलेश यादव ने झांसी जेल में पहुंचकर दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात भी की थी। बता दें कि अब तक पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 550 करोड़ की संपत्ति प्रशासन के द्वारा कुर्क की जा चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर झांसी जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई की है और इस बार दीप नारायण के 4 शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। इसमें मुख्य रूप से टीकाराम स्मृति महाविद्यालय के नाम से संचालित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्राइवेट आईटीआई कॉलेज बबरौली, मून इंटरनेशनल कॉलेज भूजौद, रमादेवी एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई प्राइवेट आईटीआई भूजौद को कुर्क किया गया है, जिनकी कुल कीमत 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्य आरोपी दीपक उर्फ दीप नारायण यादव थे जो आज भी जेल में हैं। उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट का कार्रवाई कर रहे थे। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में हम लोगों का जो संपत्ति है वो कुर्क की गई थी। जैसे कि प्रथम चरण में 130 करोड़ लगभग हम लोग पूरा कुर्क किए गए थे जो ज़मीन इसमें शामिल थे। दूसरा चरण में जो मून सिटी है उसका फ्लैट्स, तमाम गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं और बैंक अकाउंट्स, इस तरह का अलग अलग पूरा कुर्क किए गए थे। उसमें 237 करोड़ लगभग था। तो उसी क्रम में आज तीसरा चरण में इनका संचालित 4 जो महाविद्यालय हैं, जैसे कि टीकाराम महाविद्यालय मोट में है और 3 अन्य आईटीआई है, वीरांगना लक्ष्मीबाई आईटी, इस तरह का 4 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो लैंड और बिल्डिंग सहित पूरा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आज कुर्क किया गया है। ये कुल कीमत 182 करोड़ है। तो टोटल अभी हमारा तीनों कार्रवाई मिलाते हुए 551 करोड़ का हम लोग कुर्क किया जा चुका है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर ये तीसरे चरण की कुर्क की कार्रवाई की गई है। इसके पहले उनके भूखंडों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अखिलेश यादव जिस दिन दीप नारायण सिंह यादव से जेल में मिलने गए, उसके बाद भी परिवार से जिस आवास में जाकर मुलाकात करते हैं वो आवास, इसके साथ ही दीप नारायण सिंह की तमाम गाड़ियों को सरकार और प्रशासन ने दूसरे चरण की कार्रवाई में कुर्क किया। इसके बाद अब ये तीसरे चरण की कार्रवाई थी जिसमें 218 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि दीप नारायण सिंह यादव पहले ही जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह यादव को पुलिस अभिरक्षा से भगाने की साजिश रची। ऐसे में दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही हैं। फिलहाल आगे क्या कार्रवाई होती है ये अब देखने वाली बात होगी। ये जानकारी हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव ने। कैमरे के पीछे हमारे साथ दीक्षा और मैं आपका साथी मोहित। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।